कौन से ऐसी वस्तु जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? ठीक है, तो मेरी इच्छा है आप यह वरदान दीजिए कि राम नाम सभी नामों से अधिक हो जाए। जय हो। राम सकल नामन्ते अधिका हो नाथ अघ खगन। ठीक एवं मस्तु। नारद ने दूसरी बात कही, भगवान आपने मुझे दोहरी मार मारी, मेरा ब्याह भी नहीं होने दिया और मेरा आकार भी बिगाड़ दिया, वानर कर दे दिया। भगवान ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, मैं मां की भांति रक्षा करता हूं। मैं जानता था कि तुमको ये काम क्रोध मिटिया मेट कर देंगे, इसमें देखो तुम धर्म पत्नी नहीं बना रहे थे। यदि धर्म पत्नी होती तो मैं विवाह करने रहे, तुम तो भोग के लिए स्त्री को स्वीकार कर रहे थे। इस यहां नारी की निंदा नहीं है, नारी पत्नी रूप में रहे, बेटी के रूप में रहे, बहन के रूप में रहे और मां के रूप में रहे, निश्चित वंदनीय है। पर नारी में जब भोग वासना का दर्शन व्यक्ति करेगा तब तब निंदनीय हो जाएगी। अतः नारी के भोग्य भोग्यता का भोग्यता की निंदा की है गोस्वामी जी ने, योग्यता की निंदा कभी नहीं की। पुत्र पवित्र किए कुल दो। जय हो। नारी का जितना सम्मान तुलसीदास जी ने किया उतना किसी ने किया ही नहीं। यदि नारी का अपमान करना होता तो अरण्यकांड से रामायण बनती ही ना। जय हो। पत्नी की परछाई का अपमान करने पर रावण को काट काट कर भगवान ने कबंध नचा दिया, तो भगवान बहुत समझाया भगवान ने, नारद बहुत प्रसन्न हो गए। कहि सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे, असदीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरनाई बार ही बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरिन। यहां एक ही दोहा प्रामाणिक है, दूसरा दोहा लोगों ने घसीट के लिख दिया। राम डार जिस पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिन विराग जपु जल। बस इतना ही। ये दीप शिखाश्रम जीवति तन लोगों ने बना के डाल दिया, तुलसीदास जी का नहीं है। तुलसीदास जी सीता जी को दीप शिखा कहते हैं, छबगृह दीप शिखा जनु बरई, सोहमस्मित वृत्ति खंडा दीप शिखा सोई परम प्रति दीप शिखा समझोतन। क्यों कहे मारुति मिलन प्रसंग, अब हनुमान जी की मिलने का प्रसंग कहते हैं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम मुख पर्वत नियराया, तह रह
सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा अति सभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना हरि बट रूप देख कह सुजान जी शयन बुझाई विप्र रूप धरि कपि तह मात नाई रस पूछत भयउ। अब शबरी जी के कहने के अनुसार भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर आ रहे हैं। पिता इन्हें मिल चुके, माता मिल चुकी, अब क्या चाहिए उनको? अब उनको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को देखा तो डर गए, अरे ये बाल ने मुझे मारने के लिए भेजा क्या? हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप बना के जाइए, क्योंकि कोई ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलता। हनुमान जी आए, प्रणाम किया, कौन है आप, किस कारण यहां घूम रहे हैं, क्या तीनों देवताओं में कोई है आप, नर नारायण है आप, या अखिल भुवन पति साक्षात परमेश्वर साकेत बिहारी राम जी हैं? राम जी फंसाने लगे, कहा भैया हम तो कोसरे से दशरथ के बेटे हैं, हम स्वाम नहीं, हम तो पिता के वचन से वन में आए हैं। कुछ हम राम लक्ष्मण, कहा तो आप नर नारायण होंगे, तीन देवता जब नहीं है, नहीं नर नारायण के पास तो नारी नहीं, हमारे पास तो बड़ी सुंदरी नारी संग नारी सुकुमार सुहाई, कब दिख तो नहीं रही है, कहीं यहां हरि निश्चय बदी उसे यहां राक्षसों ने चुरा लिया है। तब कहा तो अखिल भुवन पति का नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं। अब हनुमान जी फंस रहे बेचारे, पर राम जी के मुख से निकल गया आपन चरित्र कहा हम गाई, अपना चरित्र हमने गा के कार्य का बस बस, अब हमने आपको पकड़ लिया। तो चरित्र तो जीव का हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर का होता है, और इतने बड़े संकट में जीव होता तो हार्ट फ्रैक्चर होता था, हार्ट अटैक आ गया होता उसको। इतने बड़े संकट में आप गा रहे हैं, आप जीव हो ही नहीं सकते। दौड़ कर हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, जय हो। मारुति मिलन प्रसन्न, आनंद आ गया, अपना शरीर प्रकट किया, पुनि सुग्रीव मिटाई। भगवान आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। भगवान कैसे करूं, करना क्या है, चलूं? हां आपको चलना पड़ेगा, सुग्रीव नहीं आएंगे, आपको चलना है। क्यों? कहा इसलिए कि सुग्रीव ऊपर बैठे हैं, आपसे मिलने के लिए नीचे आएंगे तो अपमान होगा ना। अरे जीव भगवान से मिलने नीचे क्यों जाए, तो ऊपर जाना चाहिए। श्री सरकार आप ही चले चलिए। दोनों जनों को पीठ पर बिठा लिया हनुमान जी ने, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने बहुत चतुराई की, लक्ष्मण जी को पटा के रखना था, तो कहे यदि कंधे पर बिठाएंगे तो दाहिने कंधे पर राम जी होंगे, बाम कंधे पर लक्ष्मण जी, अलगाव हो जाएगा। और पीठ पर बिठा कर सरकार आप दोनों एक साथ रहे तभी हमारा कल्याण होगा। लक्ष्मण का वाह हनुमान जी, यदि आपने
मुझे प्रभु से अलग नहीं किया तो मैं वचन देता हूं कि आप और प्रभु के बीच में कभी मैं विघ्न नहीं डालूंगा। जय हो। बड़ा आनंद है, सुग्रीव से मित्रता करवा दी। पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए, ऐसी मित्रता आपने कभी किसी की नहीं देखी होगी। अग्नि को साक्षी बनाया, अग्नि को प्रकट किया हनुमान जी ने, कहा चलिए दोनों जने अग्नि की परिक्रमा कीजिए। राम जी और सुग्रीव जी दोनों मिलकर अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं और हनुमान जी कर्मकांड कर रहे हैं। ओम ओम द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्यनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। हमारे पाणिनि कहते साप्तपदीनं सक्षम। विवाह में चार फेरे देकर उसको तोड़ दिया जाता है, फिर थोड़ा रोक कर फिर तीन फेरे किए जाते हैं, तब सात भावरी होती है। यहां इकट्ठे सात चक्कर अग्नि के लगाए जाते हैं, साप्त पदीनम सक्षम। हनुमान जी महाराज ने मित्रता करा दी दोनों की। बाल प्राण कर भंग सुग्रीव से राम जी ने पूछा कि तुम वन में क्यों रह रहे हो। सुग्रीव ने बताया कि जो गति तोरी सो गति मोरी, जैसे आपकी पत्नी का हरण रावण ने किया वैसे मेरी पत्नी का हरण बाण ने किया। दोनों मित्र हैं सरकार। भगवान का ठीक है, तुम एक ही बाण में बाल को मार डालूंगा, आप मेरे मित्र हैं चिंता मत करिए। भगवान जानते हैं रावण को बांध के लाना कोई बड़ी बात नहीं, तो वो तो बाल कर सकता है, पर इससे रक्षा संस्कृति का विनाश नहीं होगा। केवल संगठन का एक माध्यम था, जैसे हम लोगों ने राम मंदिर के लिए अभियान चलाया, राम मंदिर तो कभी कब बन जाए, पर राम मंदिर को का बहाना लेकर संपूर्ण हिंदू एक मंच पर आ गया। जय हो। एक मंच पर आ गया। जो जो काम आरएसएस ने पचासों वर्ष में संपन्न नहीं किया था, वो राम जी की लहर में, राम जी की लहर में चकाचक दो वर्षों में चकाचक हो गया। जय हो। राम जी तो राम जी हैं, देखे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, राम स्वयं सेवक संघ है, राम जी तो राम जी। आनंद कर दिया, जो काम 500 वर्षों में नहीं हुआ था वो काम हमने 6 दिसंबर 1992 में करके दिखा दिया। 6 घंटों में भारत माता का कलंक नष्ट करके सरजू धारा में बहा दिया गया। जय हो। क्योंकि हम तो जानते हैं करना, इसको आरएसएस समझे या ना समझे हमको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, संतों ने फिर कर दिया काम, अब फिर हम करेंगे। हम सोच बैठे हैं, अभी हमने अपनी योजना किसी को बताई नहीं, फिर ऐसा काम करेंगे कि देख लेना यार। इसे संकेत यह है कि सबको राम जी की शरण लेनी चाहिए। हम कितना भी पुरुषार्थ करें, जब तक राम जी का स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। जय हो। हमने मोहन भागवत से भी कहा कि श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र का जब तक जप नहीं करोगे तब तक कार्यों में शक्ति नहीं आएगी। और काम करना है,
करेंगे हम कर्क, कर्क बताएंगे आपको, चिंता मत करना। तो यही हुआ। बाल की एक विडंबना यह है को किसी की बात सुनना नहीं चाहता। सुग्रीव को भगवान ने भेजा पहली बार, मुक्का मारा भग गया सुग्रीव। फिर भगवान ने मेली कंठ सुमन की माला, पुष्प की माला पहना। यहां सुमन माने तुलसी, सुमना तुलसी स्मृता, तुलसी की कंठी डाल दी भगवान ने। अब मारे तो देखता हूं, उसे गिरा दिया सुग्रीव को। एक ही बाण में खींचकर भगवान ने मारी, मारा बाली राम तब हृदय मांज सर। लोग भूलते हैं और ऐसे विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, विवादित इन विषयों पर कोई वक्ता चर्चा करते ही नहीं, न जाने क्या करते यार। लोग कहते राम जी को, राम जी ने बाली को छिपके मारा। मैंने कहा लिखा है छिपके मारा? और राम जी क्यों छिपके मारेंगे भाई? वाल्मीकि में लिखा है कि राम जी का बाली से बहुत युद्ध हुआ। क्षिप्तान वृक्षान समाविद, बड़े बड़े पेड़ फेंके बाल ने, राम जी ने काट दिया। बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी बाल ने, राम जी ने काट दिया। राम जी का सुनिए, राम जी विनोद उसको काका कहते थे, काका आपने कर दिया ना? हाँ हाँ मैंने कर दिया। ठीक है, इतने प्रहार आपने किए मैंने सहे, अब एक प्रहार मेरा आपको क्यों सहना है? बस एक ही बाण खींचकर राम जी ने मार दिया, बाल धराशायी हो गया। जय हो। छिप कर कमर, लोग कहते कि बाल का आधा बल, शत्रु का आधा बल भगवान को मिल, अरे बाल को मिल जाता। मैंने कहा लिखा कहाँ है? यदि लिखा भी है तो यहां नहीं घट सकेगा, क्योंकि आप आधा उसका कर सकेंगे जिसके सीमा निश्चित हो जाए। राम जी का बल तो अप्रमेय है, जब उसकी सीमा निश्चित ही नहीं है कि कितना किलोग्राम है, कितना लीटर है, कितना मीटर है, तो आधा कैसे कीजिएगा बताइए। बाल ने कहा मारो मोहि ब्याज की नाई। ब्याज की नाई का छिपक नहीं होता, निर्दयता। कभी महिला कहती नहीं किस, कोई महिला अपने बेटे को जब मार कर दे, काहे कसाई की भांत पीट रही है। जय हो। राम जी ने दया नहीं की, राम जी ने कहा नहीं करूंगा। अनुज बधू भगिनी सुर नारी, अनुज बधू भगिनी ये कन्या समचारी, सुनो सख कन्या समचारी, सुनो सख कन्या समचारी। हे चारी सख सुनो, हे चारी सठ स्वच्छंद चारी से सुनो, अनुज बधु बहन और पुत्र बधु ये कन्या के समान होती है। यहां तीन समाधान भगवान ने दिया। खरदूषण को क्यों मारा? क्योंकि खरदूषण की बहन पर कुदृष्टि चली गई, दूसरी की पत्नी बहन के समान होती, सीता जी पर कुदृष्टि चली गई, देह तुरत निज नाम दुराई, इसे खरदूषण को मारा। बाल को क्यों मारा? सुग्रीव की पत्नी अनुज बधु उस पर कुदृष्टि चली गई। रावण को क्यों मारेंगे? क्योंकि रावण की सीता जी पुत्र बधु जैसी हैं, उन पर कुदृष्टि चली गई, और कुबेर की पत्नी पर कुदृष्टि चली गई। इसलिए तीनों का वध एक एक अपराध से किया गया है। खरदूषण का वध भगनी पर कुदृष्टि जाने से, बाल का वध अनुज बधु पर कुदृष्टि जाने से, और रावण का वध सुत नारी पर कुदृष्टि जाने से। ये सब बातें समझने का। बाल समझ गया, कहा भगवान अब मुझे आज्ञा दीजिए।
अबनाथ कर करुणा विलोक देहु जो बर मागूं जहि जोन जन्मों कर्म वस्तह राम पद अनुरागूं। झूठे लोग कहते हैं कि बाल ही बहेलिया बना, सब झूठ बातें हैं ये। कपिह तिलक करी प्रभु कृत सैल प्रवर्षण बास, बरनन बरसा शरद अरु अरु राम रोष कपित्रास। अब तारा को भगवान ने समझाया और कपिह तिलक कपिह तिलक पुनः प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास, सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद जी को युवराज बनाया। राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज, पुनः प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास। फिर प्रवर्षण पर्वत पर भगवान राम आ गए। मंगल मूल भयो मंगल रूप भयो बन तपते कीन्हे रिवास रमापत जपते। बरनन बरसा शरद, वर्षा का वर्णन एक चौपाई बता रहा हूं, इस पर इसका लोग अर्थ ठीक नहीं करते। घन घमंड नभ गरजई घोरा और प्रियाहीन डरपत मन। राम जी नहीं करें कि मेरा मन डर रहा है, नहीं कहते कि जब बादल गरजते हैं और मयूरनी मानो मोर की पत्नी यदि दूर हो तो मोर डर जाता है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन होने से मोर का मन डर रहा है। जय हो, ये यहां करते बहुत सुंदर आध्यात्मिक वर्णन वर्षा का किया है भगवान ने। शरद में भी बड़ा सुंदर वर्णन, बहुत एक चौपाई पढ़ा, बहुत अच्छी चौपाई है। भूमि परत वाडा बर पानी, भूमि परत भाधा पर, जो पृथ्वी पर जल पड़ा तो ढाबर हो गया, ढाबर माने मट मैला हो गया। जैसे जीव को माया लपटा जाती है, यहां भूमि को माया से उपमित कर रहे हैं, पानी जीव है। जीव जब भगवान से अलग हुआ तो माया लिपट जाती है। बहुत अच्छा कह रहे हैं, सरिता जल जलने से मही जाई हो अचल जिमी जीव हरि पाई। बहुत और शरद ऋतु का वर्णन बहुत रोचक वर्णन किया गोस्वामी जी ने। सुखी मीन जह नीरा गाधा जिम हरि शरण न, एक बाधा आनंद करते हैं। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु सदगुरु मिले जाहि जिमे भ्रम समुदाय। 17वां दोहा है, कहते हैं कि वर्षा काल में भिन्न भिन्न जंतु उत्पन्न होते हैं और शरद ऋतु पाकर बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब तक सदगुरु नहीं मिले रहते तब तक संशय रहते हैं, और सदगुरु के मिलने से सभी संशय और भ्रम अपने आप चले जाते हैं। जय हो। अब राम रोष कपित्रास, वर्षा चली गई, सीता जी की सुध नहीं मिली, सुग्रीव भी मेरी सुध भूल गए। सुग्रीव हूँ
सुधि मोरी बिसारी क्रोध जय सायक मारा मैं बाली तेज से रहता हूं मोड़ का काल जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से इस मूढ़ को मारूं ऐसा नहीं। यहां मूढ़ शब्द सुग्रीव के लिए नहीं है। मूढ़ शब्द में भाव में एकता प्रत्यय है। मूढ़ माने मोह। जिस बाण से मैंने बाली को मारा कल उसी बाण से सुग्रीव के हृदय में रहने वाले मोह को मार डालूंगा। जय हो। तब हनुमान जी सतर्क हो गए। क्यों? बोले हनुमान जी भी तो राम जी के बाण हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव भाई भी बांदरी सेना बुलाई। बांदरी सेना बुलाई जय ही विधि कपि पति किस पठाए सीता खोज सकल दिशाएं। 18 पद्म बंदर भगवान ने 18 पद्म रूप बना लिया। असकप एक न सेना माही राम कुशल पूछी जही नाही। 18 पद्म रूप एक साथ भगवान ने बना लिया। सभी बांदरों से मिले भगवान राम जी। सुग्रीव सीता जी के समाचार के लिए बांदरों को भेज रहे हैं। दक्षिण की ओर नल नील अंगद हनुमान जांबवान ये मुख्य लोग धीरे से बुलाया। महावीर जय हो। तन हिन्ने आवा हो। जय हो। हे महावीर अंजनक बारे हो दुलारे पौन देवता के सुना महावीर सुना महावीर बलवान तनिहने आवा सुना महावीर हनुमान तनिहने आवा सुना महावीर हनुमान लाज के खेवैया हो तो है बेटवा होई जा हमारी नाम के खेवैया हो बाबा बजरंगी बलवान तनि हमने बाबा बजरंगी बलवान सुना महावीर हनुमान तनि हमने आवा जानकी जी है
समाचार जो लिए बो हमरा से मुँह मांगा बरदान पैबा गिरिधर प्रभु तोरे मन के बसैया हो संकट मोचन हनुमान तने सुना महावीर हनुमान तने आवा सुना महावीर हनुमान तने आवा बोलिए भक्त सल भगवान की जय हो। हनुमान जी को राघव जी ने मुद्रिका दी। 500 वर्षों से ढो रहे हैं लोग। 1631 में रामायण जी प्रकट हुए, ये चल रहा है 2072। 2072 442 वर्ष हो गए, 41 वर्ष हो गए। इस बात को कहते कही बल बिरह बेग तुम आए। अरे क्या हनुमान जी से भगवान बिरह कहे आए हे वीर। तो हनुमान जी ने मुद्रिका ली, चल पड़े। अब बिबर प्रवेश की बर प्रवेश की है। बिबर माने भूमि में दिखाई पड़ने वाला छिद्र, सुरंग जिसको आजकल बोलते सुरंग। वानरों को प्यास लगी, हनुमान जी ने देखा एक छिद्र दिखाई पड़ा। वहां चक्रवात चकई आदि पक्षी जा रहे थे, लगा कि पीने का कोई यहां जलाशय होना चाहिए। सभी बंदरों को हनुमान जी ले आए, चलो चलते। बहुत घन अंधेरी गुफा गए, देखा वहां भीतर तालाब, वहां सुंदर नारी बैठी स्वयं प्रभा। ये भगवान के लिए तपस्या कर रही थी, गंधर्व कन्या थी ये। उसने कहा ठीक है तुम लोग पानी पी लो, हम तुमको पार कर देंगे, खा पी लो। फल खिलाया, आंख मूदो, आंख मूदा। अपने योग बल से उसने स्वयं प्रभु ने सबको सागर के तट पर पहुंचा दिया। नयन मूदी और फिर देखें सब वीरा ठाढ़ी सकल सिंह के। स्वयं राम जी के पास आई, बहुत विनती की। राम जी ने कहा कि क्या चाहते हो, मैं आपको पति रूप में। कहा नहीं अभी संभव नहीं है, चलो वैष्णो देवी बनकर रहो, कलयुग में जब कल्की अवतार लूंगा मैं तब तुम मेरी पत्नी बन जाना। तो वही वैष्णो देवी इसमें है, वैष्णो देवी भगवती की जय हो। ठीक से बोले वैष्णो देवी भगवती की जय हो। बदरी बन कह सो गई प्रभु आज्ञा धरिषी, उर धरि राघव चरण जुगे जे बंदित अजे बंदत अज। अब कपिन बहोरी मिला संपाती, कपिन बहोरी मिला संपाती। वानर आमरण अनशन पर बैठ गए। जाम्बवान जी ने भगवान की कथा सुनाई, संपाती सुनी, आया अरे तो बहुत बंदर है, सब मर जाएंगे और मैं मरे हुए को खाने में मुझे आनंद रहेगा।
आज सभन कह भक्षण करूं, निश्चित हो गया मर जाएंगे सब लोग। पर अंगद जी ने जब जटायु का नाम लिया कि धन्य थे जटायु जिन्होंने राम जी के लिए अपने शरीर को छोड़ा, अरे तब तो संपत्ति गदगद। अरे भैया तुम लोग कौन हो? भगत का नहीं, मैं शपथ देता हूं तुमको, खड़े रहो, हम मैं खाऊंगा नहीं तुमको। तो पूरी बात बताई संपाति ने कहा अच्छा अच्छा मुझे सागर तट पर ले चलो, मैं तिलांजलि दे लूं। क्योंकि सूर्य नारायण को हम पकड़ने गए थे तो सूर्य की किरणों से मेरा पंखा जल गया था। चंद्रमा जी ने बताया था कि जब राम जी के भक्त बानर मिलेंगे तो उनके दर्शनों से तुम पवित्र हो जाओगे, पंखे फिर आ जाएंगे। पंखे आ गए तो वो देखो त्रिकूट पर्वत पर लंका, वहां सीता जी बैठी हैं। पर शर्त ये है कि एक श्वास में बिना सांस छोड़े जो सौ योजन सागर को लांघेगा वही राम जी का कार्य कर सकता है। जय हो। सुनी सब कथा समीर कुमारा, लाघत भयो पयोधि अपार। सब ने अपना अपना बल बता दिया, पार जाने में संदेह। फिर हनुमान जी को जाम्बवान जी ने ललकारा, क्या करें? कहे ऋक्षिपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना? जय हो। क्यों चुप बैठे? क्या करूं? अरे तुम पवन के पुत्र हो, पवन तने बल पवन समाना। पवन तो रावण के झाड़ू लगाता, मैं भी झाड़ू लगाऊं जाके? नहीं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो, वहां शास्त्रार्थ करूं क्या? कौन सो काज कठिन जग में है? जो नहीं हो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम नहीं कर सकते। हनुमान का वहां बड़े बड़े जगत के विजेता। अच्छा, बार बार सिंचान करने पर भी करंट क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि ये तार जो है मेन लाइन से नहीं जुड़ा है, सीधे मुख्य लाइन से तार को जोड़ा। अरे हनुमान जी, आप शंकर जी हैं, आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। जय हो। इतना सुना सुनि कप भय पर्वताकार। हनुमान जी पर्वताकार हो गए, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। हाय हाय हाय, छोटे से थे पर्वताकार हो गए हनुमान जी। जय तत् बलोरा। जय श्री राम। लक्ष्मण जय महाबल राजा चैत्यो राग मेरा पालित दासो हम कौशलेंद्र श्रावण सहकृष्ण हनुमान छत्र संज्ञानम निहंता माता न रावण शास्त्र में युद्ध प्रतिबलम भवेत शिलाभिष्ट प्रहृत पान पर सच अर्दैत्वा प्रीम लंका विवादे मैत्रेम समृद्धार्था गमिष्यामि विस्तार सर्वक्षा। हनुमान जी का शिविग्रह कनक वर्ण तंतीज विराजा, मानो अपर किरीट कर राजा, मानो स्वयं सिंहनाद करी बारह बारा। लील ही लाघव जलधि अपारा, अपार जलित खारा गलत पाठ है। अपार सागर को मैं खेल खेल में लाग जाऊं। सहित सहाय रावण हिमारी आनो यहां त्रिकूट पर, सहाय को सहित रावण को मारकर मैं त्रिकूट पर्वत को खेल लेगा। जय श्री राम। श्याम भगवान बताइए क्या करूं? शांत अंजनानंद वर्धन इतना कर तात तुम जाई सीता ही देखी कहो सुध आई एक रात
तुम जाई सीता ही देखी कहूँ सुधी आई तब निज भुज पर राजीव नैना तब निज भुज पर राजीव निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना तब निज भुज बल। हनुमान जी इतना ही कीजिए कि सीता जी को देखकर समाचार बताइए, राम जी स्वयं अपने ही भुजबल से बानरों की सेना को खेल के लिए लेकर, केवल बानरों की सेना को खेल के लिए ले जा रहे हैं। बानरों को चौगाना खेलने का मन है और चौगाना रावण के सिरों से खेला जाएगा। तब तब ते तब सिर कंजुकी उनाना खेले हैं भालू की चौगाना। मैं क्या करूं, आप तो नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अघ अधिक। आनंद कर दिया। अब सुन सब कथा समीर कुमारा जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जाम्बवान के वचन बहुत अच्छे लगे। कह दिया भैया तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक सीता जी का समाचार लेकर नहीं आता हूं। तब लगे मोहि परिखो तुम भाई सही दुख गंध मूल फल खाई जब लगे आवो सीता ही देखी होई काज मन हर सभी मुहि नहीं। हनुमान जी चल रहे हैं जैसे राम जी का बाण चलता है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाण एही भांति चलो आए। यहां एक दो चौपाई एक सोरसा छूट गया था, इस बार मैंने ले लिया। जलनिधि रघुपत दूत बिचारी मैनाक ने कहा तय मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक ने कहा, मैनाक से सागर ने कहा इंद्र वज्र कर जा दीने पर्वत सकल पंख बिनु कीन्हा पर्वत सकल पंख बिनु कीन्हा ता दिन मारुत कीन्ह सहाय ता दिन मारुत कीन्ह सहाय तनय लंका कह जा। सिंधु बचन सुनि कान हरषि उठो हनुमान तब मैनक तब। सिंधु बचन सुनि कान हरषि उठो मैना तब गयो जहां हनुमान बार बार कर जोरी कहे। अब मैनाक को भगवान ने हनुमान जी ने समझाया राम काज किन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। सुरसा
इस सात्विकी माया है, सूरसा शोभन रसह यस्यासा। सुरसा ने कहा तुम्हें मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा राम जी का काम कर लेने दीजिए, खा लीजिएगा का नहीं, मुझे समय नहीं मेरे पास। ठीक है, एक योजन मुंह फैलाए हनुमान जी दुगुना कर दिया, 16 योजन हनुमान जी 32। सुरसा ने कहा तुम दुगने क्यों हो जाते हो? कहा मेरे पास 2 अक्षर राम नाम का बल है, इसे दुगना हो जाता हूं। 100 योजन का मुंह फैला हनुमान जी छोटे हो गए। अरे मुख में प्रवेश के कान से निकले अच्छा दाक्षायणी, दाक्षायणी नमोस्तुते। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, सात्विकी माया का शमन किया, सात्विकी माया को नमन किया, चले गए। सिंहिका ने आकर के हनुमान जी की छाया ग्रहण कर ली, छाया को रोक लिया। हनुमान को देखे बात क्या है, देखा फिर उसके पेट में हनुमान जी चले गए और पेट में जाकर ततस्तस्या नखै तीक्ष्णैर मर्माणोत्कृत्य बांध रहा। पेट में जाकर भीतर से उसके पेट को फाड़ कर फेंक दिया हनुमान। इस सिंहिका राहु की माता है, प्रहलाद की बहन है, प्रहलाद की बहन है। तो कहा तुम्हारे बाप को नरसिंह ने फाड़ के फेंका था, बहन को बानर सिंह ने फाड़ कर फेंक दिया। अब लंका पार हो गए। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोधि अपार। लंका कपि प्रवेश जी में की धान, लंका कपि प्रवेश जी में की धान, लंका कपि प्रवेश जी में की धान। हनुमान जा रहे हैं, शैल विशाल देखते आगे, ता पर कुछ चढ़ भय 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 त्याग भय क्या, वहां काल का पहरा है, काल नहीं जाने दे रहा था। हनुमान जी का जाने दे यार, का नहीं कौन का मैं काल हूं भगवान। हनुमान का ठीक है तुम काल हो तो यार मैं महाकाल हूं। हनुमान जी ने मुंह में भर लिया। अरे पार्वती जी ने कहा कैसे काल को मुंह में भर लिया? चुप उमानक छुकप के अधिकारी, अरे प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भगवान का प्रताप जो काल को खा लेता, हनुमान जी भी खा गए काल को मुंह भर लिया। कहा हनुमान जी कुछ दांत से कुचलिएगा नहीं मुझे? कहा ठीक है चल मुंह में भरे रहो कोई बात नहीं। ठीक है देखा छोटा सा रूप बनाया, मशक समान रूप कप घरी धरी, उसमें मशकस तू बिडालस जात, यहां मशक माने बिल्ली बिल्ली, बागड़ बिल्ला जैसा बन गए हनुमान जी। जय हो। मुद्र का मुंह में भर ली। लंक ने देखा ऐ कहां जा रहे हो? अरे बीजा उजा लायो का? चुप राम नाम का बीज लाया हूं। जय हो। लंका का चोर मेरा हार, मुठिका एक ताही का पहनी, हल्की से एक मुठिका लगाई और चक्कर आ गया, पृथ्वी पर धड़मना कर गिरी। उठी कहा मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, मैं राम जी के दूत को देख रही हूं, अब मैं जा रही हूं। कहां जाऊंगी? स्वर्ग भेजूं का नहीं, मोक्ष दे दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं। तब मुझे सत्संग चाहिए, अब तो मैं यही रहूंगी क्योंकि अब यहां विभीषण राजा बनेंगे, सत्संग होगा मैं आनंद करूंगी। जय हो। इसे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग